ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਪਲ ਲੀਫਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲ ਡੂਬਿਸ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਸੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਟੀਮ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਦੀਪ 5 ਸਾਲ ਝੱਟ ਲੰਘ ਗਏ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ हाँ बहुत आप नुकताचीनी करते हैं ये बारे तो टोरंटो की टीम बारे पर जो तुम शांत हो के देखो इन्हें काफ़ी वधिया टीम बनाई है टोरंटो मेपल लीफ्स दियाँ जिहड़ा सैलरी कैप है वह भी संभाल के रख्या है आ उत्तम टीम रही है टोरंटो की लीग के एटकी भी नंबर दो पोजिशन है कैरोलाइना के बराबर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इन्ने माड़े नहीं है हाँ जो उत्तम इन्हों चार खिलाड़ी आ कई बार असं भी शुक्र करी कि दस दस मिलियन डॉलर सारे देते पर फिर भी वह वधिया खिलाड़ी आ इन्ने माड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं ड्राफ्ट पिक्स प्रोस्पेक्ट्स कई कुछ हैगा पर कोई फर्क नहीं पैंदा जे तुसीं प्लेऑफ विच नहीं जितते सो हरेक साल पहले राउंड विच टोरंटो मेपल लीफ्स हार जांदे आ ज़्यादा खायल ड्यूबस आया हैगा सो जे उत्थे नहीं बदलाव आया कि प्लेऑफ दे विच जे पहले राउंड चो नहीं निकले कोई फर्क नहीं पैंदा कितना वधिया आए ने वधिया टीम बनाई आ शायद बदलाव लिया पैना टोरंटो नूं ऐतकी ते देखना भी पैना मुंडियो कि कॉन्ट्रैक्ट हजे नहीं मिलिया कि इन्ना भरोसा हैगा शायद इहदे विच भावें रैगूलर सीजन दे विच कामयाबी मिली आ जद तक प्लेऑफ की कहानी पक्की नहीं बनती कुछ नहीं करते उत्थे मैनूं लगदा इहनूं शायद कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन नहीं मिलनी यार तुसीं बड़े सकते हैं उदां तां रैगूलर सीजन च तां इह शायद बोस्टन ने भी फड़ सकदे आ एज़ स्टैंडिंग च जो कि वधिया टीम आ पर देखदे आ प्लेऑफ च की हुंदा है तां वो भी गल हैगी है कि शायद उदों साइन करनगे चलो बोस्टन बारे गलबात करते हैं कि तकड़ी टीम बहुत ज़्यादा असी इस साल देखिए इन्होंने की किया अपने होम आइस से भी पर उदा भी रोड से भी कमाल की टीम आ पर यह तो भी बेहतर हो सकते हैं तो लगता ट्रेड राही किसी लिया कौन है टारगेट इन्होंने हाँ जी देखते हैं ट्रेड वास्ते चेता रखना खिलाड़ियों के सट्टा भी लग चुकी पहला फिर भी नहीं टॉप की टीम रही है पर इन्ने वधिया खिलाड़ी जिहड़े हैगे आ देख लो ये ट्रेड दे विच इन्हां दी नां दी चर्चा हो रही है बो होरवैट वर्गा सेंटरमैन सेंटरमैन की भाल विच हैगे आ ब्यूकस्टैड उहदी भी गलबात हुई है तो और रायली मुंडियो जो कि स्टैनली कप का तजर्बा लैके आ रहा तो पैट्रिक केन सानूं पता थोड़ी जिही उहदी भी खबर आई है सटदी पर इहदी भी सारिआं दी नज़र हैगी आ पैट्रिक केन दे उत्ते पर गलबात इह आ होर तकड़ी टीम हो जूगी ए जबरास्क बार इन्हों कोई फर्क नहीं पाया मार्शैंड बार इन्हों कोई फर्क नहीं पाया ए सोचो जे होरवैट वगैरह खिलाड़ी इस टीम च आ गया की बनू लोंग टर्म होरवैट वधिया हो सकता पर जे इस सीजन कप जितना चाहते हैं जे ओराइली वर्गा खिलाड़ी इस टीम पर आ गया जो डिफेंस भी खेडता है सैल्की इनाम जितया है कप भी जितया है फिर तो गुड बाय सत श्री अकाल बुला दो इन्होंने तो कप जितना ही जितना जरा धक्कड़शाह तरीके भी खेल सकता प्लेऑफ के देखते हैं कि ये करते हैं पर एक जरूर कुछ ना कुछ तो करे इन्हों का जो लास्ट डांस है जिदा शिकागो बुल्स का यही समझते हैं चल दी दुनिया च चलो पहला डांस तो होया ही नहीं एडमिंटन ऑयलर्स का उन्होंने गलबात करते हैं प्लेऑफ के आसामी तो है हाले कोई पक्की स्टैंप तो लगी नहीं हैगी सीजन अद्ध होया पर जोड़ा डिफेंस है उत्थे बदलाव की लड़ है बहुत माड़ी डिफेंस ऑफेंसिवली टीम बड़ी तकड़ी हैगी एडमिंटन ऑयलर्स पर डिफेंस इन्हों की बहुत माड़ी फिक्की आ कई डिफेंसमैन है जिन्होंने ये लिया सकते ट्रेड राही सो उन्होंने बाद इन्हों देखना पैना पक्का एक तो है जेक मखेब एक और डिफेंसमैन स्टे एट होम टाइप डिफेंसमैन आ एक होर आइवन प्रोफरॉफ वह 7 मिलियन तो थोड़े जे घट पैसे बना 2 साल वो कॉन्ट्रैक्ट रेंदे तो एक जेकब चेकरन नौजवान सिर्फ 24 साल का वह सिर्फ 4.5 मिलियन डॉलर बना लोंग टर्म जे लंबी अपने फ्यूचर बारे सोचते हैं जेकब चेकरन वर्गे डिफेंसमैन जे मिल सकता किसी ना किसी तरह बहुत वधिया फिटिंग हो सकती है बाकी खिलाड़ियों के नाल चलो ये भी बहुत चर्चा हुई एडमिंटन एडमिंटन च कई जो मीडिया वाले कहते नहीं इदा का डिफेंसमैन की लड़ नहीं हैगी धक्कड़शाह गैवरकॉव वर्गा खिडारी जिदा कहा मकेब पर यह तो बहस होंगी रहती है एडमिंटन पर किसी न किसी खिडारी लिया पैना चलो पैट्रिक केन बारे पहला गलबात की गल जारी रखते हैं वो कुछ दिन पहला सट लगी सी उदी की स्टेटस है हाँ जी जनवरी 3 सट लगी सी टैंपा बे के विरुद्ध पर हुण लगदा अज खेडूगा 3 गेमां इन्हें मिस कीतियां 3 गेमां जित गए शिकागो ब्लैकहॉक्स किसी ना किसी तरह पर हाँ लगता खेडूगा हुण वापस लाइनअप आ रहा वह भी सियारो क्रैकन के विरुद्ध जो कि इन्नी गर्म टीम हैगी याद रखो
उत्तम चोण सी है शिकागो ब्लैकहॉक्स का, तीन कप जिते आ, पर माड़ी तो माड़ी टीम हैगी शिकागो। सो बड़ा टाइम लगता इन्हें इन्हें नहीं कटना, शिकागो च ट्रेड होगा किसी ना किसी टीम ते सट भी लगी हो। हुण यह भी देखना पेगा जे ये नहीं ऑप्शन रही होर टीमों वास्ते, बैसर वर्गे खनैकनी वर्गे खिडारे भी विंगर खिडारी हैगे आ मार्केट दे विच। जिदा खनैकनी खेडदे आ फिलाडेल्फिया च उहदी कीमत भी वध गई है, शायद उत्थे रखना चाहुंदे उहनूं। चलो कनक्स बारे गल करदे, उत्थे दा ड्रामा चलदा ही रहिंदा जी। तां हुण लगदा इक जिहड़ा कोच उहदे वल देखदे आ, रिक टॉकेट की वैनकूवर च जा सकदा। गलबात हो रही आ, हिस्टरी हैगी आ जिम रदरफोर्ड दी ते जीएम पैट्रिक ओवीन, इन्हां दोनों ने रिक टॉकेट दे नाल पिट्सबर्ग दे विच काम कीता जदों पिट्सबर्ग ने कप जिते, इह असिस्टेंट कोच हुंदा सीगा। सो हाँ, इन्हां दी यारी मित्रता दोस्ती हैगी आ, ते एलियट फ्रीडमैन ने भी कहा कि इह गलबात हो रही आ ते सोच रहे आ करना चाहिए कि नहीं। याद रखो ब्रूस बूड्रोनो इन्होंने नहीं हायर किया, हरेक जीएम अपना कोच हायर करना चाहता। हाँ जी, वो जो टाइम है वो तो लगता वैनकूवर के प्लेऑफ से भी उदा भी कोचिंग पक्षों भी लंघ गया। सो देखते हैं आने वाले हफ्ते से की होंगे, तो देखते हैं जी इस मुकाबले में की होंगे। दूसरा पीरियड असं लैके आ रहे हैं ब्रेक तो बाद, मुकाबला बराबर, देखिए कौन जितता ये गेम।